भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ फिर हुई गाली गलौज और प्रयास हुआ उन्हें मारने का। तो आइए बताते हैं कौन है वो जिन्होंने अक्षरा सिंह के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया है। तो वो कोई और नहीं, भोजपुरी के स्टार गायक रितेश पांडे हैं। जी हाँ, रितेश पांडे के साथ अक्षरा सिंह पहुंची हुई थी वाराणसी। वैसे तो आप सभी को पता है कि बनारस में ही रितेश पांडे रहते हैं और वहीं पर उनके एक फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। यहीं पर अचानक से, यानी कि अक्षरा सिंह का कहना है कि रितेश पांडे आए और उन्होंने अक्षरा सिंह के साथ गाली गलौज किया और उन्हें मारने तक का प्रयास किया। इस गाली गलौज में उन्होंने अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी तक दे दी। आपको ये बता दें कि अभी पिछले ही साल अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद हुआ था, जहां पर अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर ऐसे ही कई संगीन आरोप लगाए थे। और अब रितेश पांडे, जी हां, रितेश पांडे के साथ इस तरह का विवाद आ रहा है और इस बातों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते, लेकिन वहां के लोकल न्यूज़पेपर की बात करें, यानी कि बनारस के लोकल न्यूज़पेपर की बात करें, तो ये खबरें हाईलाइट में हैं। इसकी पुष्टि हम अक्षरा सिंह से बात करके ही आपको करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की बात है, जिस तरह की बातें अखबारों में आ रही हैं, तो ये बहुत ही अक्षरा और रितेश के फैंस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह सबसे ज़्यादा अगर पवन सिंह के बाद किसी के साथ पसंद की जा रही थी तो वो कोई और नहीं रितेश पांडे थे। और अगर इन दोनों के बीच इस तरह का मनमुटाव आता है तो इनके फैंस के लिए ये सदमे से कम नहीं होगा। इस न्यूज़ से जुड़ी हर जानकारी, हर लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।